उसके कुछ असूल कवायद के बारे में पढ़ेंगे तो आइये देखते हैं कि वो क्यामत का दिन कैसा दिन है बिसमिल्लासिमुबिया वह सबुल الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر

कि बेशक हम कभी उसकी हड्डियाँ इकट्ठी नहीं करेंगे क्यों नहीं हम उन्हें इकट्ठा करेंगे इस हाल में कि हम कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोर पोर दुरुस्त करके बना दे बल्कि इंसान चाहता है कि अपने आगे आने वाले दिनों में भी नाफरमानी करता रहे वो पूछता है उठ खड़े होने का दिन कब होगा फिर जब आंख पथरा जाएगी और चांद गहना जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे और इंसान उस दिन कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है हरगिज नहीं पनाह की कोई जगह नहीं उस दिन तेरे रब ही की तरफ जा ठहरना है यानी रब के अलावा इंसान को कहीं कोई पनाह न मिलेगी तो आइए हम देखते हैं कि क्यामत के दिन जो हिसाब किताब होगा उसका तरीका कार होगा सबसे पहली बात तो ये कि ये मामला अमर गैबी से ताल्लुक रखता है और इस बारे में हमें जो कुछ बता दिया गया है हम सिर्फ उतना ही जानते हैं रब अज्जा वह के हिसाब का एक खास तरीका होगा जिसे वो खुद ही जानता है लेकिन कुछ कायदे ऐसे बता दिए गए हैं कुछ उसूल ऐसे बता दिए गए हैं, कि जिनकी रोशनी में हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि उस दिन हिसाब किताब किस तरह होगा पहला कायदा यह है कि लोगों पर बराबर भी जुल्म न होगा क्योंकि अल्लाह सुबहान ताला लोगों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता सूरत अलबकर में अल्लाह तला फरमाते हैं वफा कुल दु मा और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे फिर हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा यानी हर इंसान को वही मिलेगा जो वो कमा कर आया तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि हमें दुनिया में आखिरत के लिए काम करते रहना चाहिए और आखरत की तैयारी यहीं पर कर लेनी चाहिए और जो कुछ भी हम करें आखिरत के नुकता नज़र से करें और दूसरी बात ये कि जो कुछ इंसान करेगा अच्छा या बुरा उसके मुताबिक ही उसको जजा सजा दी जाएगी किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं होगा इंसाफ के साथ फैसला होगा सूरतमिन में अल्लाह फरमाते हैं और हम किसी शख्स को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी वस्त के मुताबिक यानी दुनिया में उतना ही बोझ किसी पर डालते जो वो उठा सकता है और हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलती है नामा माल जो है वो हक के साथ इंसान की खबरें देगा और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे यानी अल्लाह के हजूर जब वो पहुँचेंगे तो उन पर जुल्म न होगा अब्दुल्ला बिन उन्स कहते हैं कि उन्होंने नबी सल को फरमाते हुए सुना की अल्लाह क्यामत के दिन बंदों को इकट्ठा करेगा या ये फरमाएगा कि लोगों को बरहना जिसम बेखतना और बुहमन जमा फरमाएगा वो कहते है की हमने कहा कि बुहमन के क्या माने बुहम आपने फरमाया कि उनके पास कुछ ना होगा फिर अल्लाह ताला उन्हें ऐसी आवाज में पुकारेगा कि उसको दूर वाला उसी तरह सुनेगा जिस तरह करीब वाला उसे सुनेगा फरमाएगा अन दयान अनल मलिक मैं दयान हूँ दयान का माना है जबरदस्त और खैर और शर का बदला लेने वाला दीन से और मलिक का माना मैं बादशाह हूँ किसी जहन्नम वाले को हक नहीं कि वो जहन्नम में दाखिल हो और उसके पास किसी जन्नती का हक हो यहाँ तक के उसे बदला दिलवा दू यानी अगर जहन्नम में जाने वाले के पास किसी जन्नती का हक है तो वो पहले दिलवाया जाएगा फिर वो जहन्नम जाएगा और किसी जन्नती को जन्नत में दाखिल होने का हक नहीं और ये कि उसका किसी जहन्नमी के पास हक हो यानी जहन्नमी का हक उसके पास हो यहाँ तक के मैं उससे उसका बदला दिलवा दू अगरचे वो एक तमांचा ही क्यों ना हो वो कहते हैं हमने कहा ये किस तरह होगा यानी साहबा ने अर्ज किया कि ये कैसे होगा जबकि हम बरहना जिसम बेखतना और बेजरो पर आएंगे यानी हमारे पास तो कोई चीज नहीं होगी खाली हाथ होंगे कपड़े भी नहीं बदन के होंगे आपने फरमाया नेकियों और बुराइयों का मामला और तबादला होगा यानी इंसान जिस पर जुल्म करता है और दुनिया में उसका हक उसको नहीं देता किसी भी वजह से क्या के दिन वो हक उसको देना पड़ेगा चाहे वो जहन्नम में जाए या वो जन्नत में जाए अब अगर एक शख्स में जा रहा है और उसके पास नेकिया ही नहीं है तो फिर क्या होगा फिर उस शख्स की जिस पर उसने जुल्म किया मजलूम की बुराईया अपने पल्ले में लेकर वो जहन्नम में चले गए मजलूम के हिस्से की भी सजा वो खुद भुगतेगा का। दूसरा कायदा यानी पहला कायदा क्या है कि किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा क्यामत के दिन हर एक को वही मिलेगा जो उसने किया कमाया दुनिया के अंदर दूसरा कायदा हर छोटे बड़े अमल का हिसाब लिया जाएगा, यानी अल्लाह अल्लाह बंदों के अमल में से हर छोटी और बड़ी चीज का हिसाब लेगा। इसमें इत्तिहायी छोटी चीज भी दाखिल हो जाती है और बड़ी से बड़ी भी। सूरत अज़लज़ला में फरमाया, "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ م तो जो शख्स एक जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे देख लेगा और जो शख्स एक जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे देख लेगा यानी छोटी से छोटी बुराई भी छोटी से छोटी चीज भी उसके नामा अमाल में नजर आ जाएगी याद रखिए हिसाब की दो किस्में एक है नामा अमाल की पेशी और दूसरी है छानबीन का हिसाब एक है नाम अमाल पेश किया जाना दिया जाना और दूसरा है फिर उस पर छानबीन होना तो पहली किस्म है नामा पेश किया जाने वाला हिसाब इस तरह का हिसाब मोमिन के साथ खास है उसको उसके अमल और उसके इल्म और अल्लाह की उस नेमत के बारे में पूछा जाएगा जिस नेमत के जरिए अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया। यानी क्या काम किए इल्म कितना हासिल किया वो जो पांच सवाल है ना। समोमिन ऐसा जवाब देगा जिससे उसका सीना खुल जाएगा और उसकी हुज्जत मजबूत हो जाएगी और अल्लाह की नेमत हमेशा के लिए उस पर कायम हो जाएगी यानी वो ऐसा जवाब देगा इन नेमतों के बारे में जवाब उसके हक में ही जाएगा और जब उस पर उसका गुनाह पेश किया जाएगा तो अपने गुनाह का इकरार कर लेगा फिर अल्लाह तला उसके गुनाह की पर्दापोशी फरमाएगा और उससे दरगुजर करेगा यानि नेक अमाल भी दिखाए जाएंगे और उसकी बुराइयां भी दिखाई जाएंगी नेकमाल पर वो अच्छा जवाब देगा कि नेमतों को पाकर उसने क्या किया और जो उसके अंदर सयात होगी उसका वो इकरार कर लेगा वो ना नहीं करेगा कि मैंने नहीं की क्योंकि जो नेक इंसान होता है वो दुनिया में भी अपनी गलती जल्दी मान लेता है वो अपने साथ सच्चा होता है कि जो कुछ मैंने किया है वो तो वाकई किया है जब इंसान गलती मान लेता है तो फिर उसके बाद उसको माफी भी मिल जाती लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गलती पर इसरार करता है भट धर्मी का मुजाह करता है तो दुनिया में तो ऐसे कर लेता है लेकिन अल्लाह के यहाँ जाकर कोई छुपा नहीं सकेगा तो मोमिन का ये रवैया ही नहीं होता लिहाजा मोमिन वहाँ फौरन एतराफ कर लेगा और जिस वक़्त उसके अमाल नामे को उसके सामने रखा जाएगा तो उससे छानबीन और कुरेद नहीं की जाएगी बारीकी से काम नहीं लिया जाएगा न अमाल की तहकीक की जाएगी वो अपना नामा अमाल दाए हाथ में लेगा और जन्नत में अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी लौट जाएगा क्योंकि वो अजाब से निजात पा चुका और अजर सवाब हासिल करने में कामयाब हो चुका अम्मा मन ऊत या किताबी सब हिसाब यानी वो अपने घर वालों के पास खुशी खुशी लौट जाएगा तो आसान हिसाब ईसायत में आता है ना फसो फो हिसाब यसीरा तो इससे मुराद सिर्फ पेशी है हजरत रजी अल्लाह तन नबी करते हुए कहती है की आपने फरमाया जिसका हिसाब के वक्त मुनाक्शा हुआ उससे खोद की गई उसको तो जरूर अजाब होगा जिसकी पूछ पड़ताल शुरू हो गई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई फिर वो नहीं बच सकता हज़र ताशा कहती है मैंने कहा की अल्लाह ताला, ताला ये नहीं फरमाता की फसा फोहा सब हिसाब तो आपने फरमाया इससे मुराद तो सिर्फ पेशी है यानी सिर्फ पेश किया जाएगा उसका सब कुछ दूसरी किस्म का हिसाब जो छानबीन का हिसाब होगा ये हिसाब अल्लाह ताला काफिरों से और गुनागारों में से जिससे चाहेगा करेगा यानी ईमान वाले गुनागारों से और काफिरों से छानबीन करेगा कभी उनका ये हिसाब लंबा भी हो जाएगा और गुनाहों की कसरत की वजह से मुश्किल हिसाब होगा यानी एक शख्स ने लाइ लाला पढ़ी लेकिन बेतहाशा गुनाह की सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी तो उसकी पूछ हो सकती है और फिर उनमें से जिन, जिन के कबीरा गुनाह होंगे अल्लाह मुद्दत तक के लिए उनको जहनम में दाखिल कर देगा फिर उनको निकालेगा नबी सल सलम की शफात से वो निकाले जाएंगे, फिर हमेशा के लिए उनको जन्नत में दाखिल कर देगा लेकिन वो अपने गुनाहों का खमियाजा पहले भुगतेंगे जहन्नम में फिर उसके बाद जन्नत की तरफ जाएंगे फिर इसी तरह ये याद रहे की काफिर और मोमिन के हिसाब का भी फर्क है उलमा कराम ने इस बारे में इख्तलाफ किया है लतुसअल नयिन अन नईम यकीन तुम उस दिन नियमतों के बारे में जरूर पूछे जाओगे क्या इससे सिर्फ काफिर मुराद है या मोमिन और काफिर दोनों मुराद है यानी किस किस से जरूर छानबीन का सवाल किया जाएगा तो दुरुस्त बात यह है कि इससे दोनों ही मुराद है इनमें से हर एक से नियमतों के बारे में सवाल किया जायेगा लेकिन काफिर से डांटने और झिड़कने के तरीके पर और मोमिन को याद दहानी कराने के लिए उसको रिमाइंड कराने के लिए की ये ये नियमत तुम्हे अल्लाह ने दी थी तो मोमिन से जो सवाल किया जाएगा वो महज अल्लाह जवाजला की नियमतों की याद दहानी कराने के लिए किया जाएगा यहां तक के वो खुश हो जाएगा और जान लेगा कि जिसने दुनिया में उस पर इनाम किया वो आखरत की जिंदगी में भी अपने इनाम अता करके उस पर करम नवाजी कर रहा है जहां तक काफिर की बात है तो उसे झिड़कने और उसको मुतनबे करने के लिए सवाल किया जाएगा ठीक है तीसरा कायदा किसी के जुर्म की सजा दूसरे को नहीं मिलेगी पहला कायदा क्या था किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा नंबर दो कायदा क्या था हर छोटे बड़े अमल का या नियमतों का हिसाब होगा और तीसरा कायदा यह कि किसी के जुर्म की सजा दूसरे को नहीं मिलेगी जिसने गलती की होगी वो पकड़ा जाएगा दुनिया में तो आप देखें, बहुत दफा बेगुनाह लोग जेल में पहुंच जाते हैं कत्ल किसी ने किया होता है नाम किसी और के लग जाता है इंसाफ नहीं मिलता दुनिया में गुनाह किसी ने किया होता है और सारी जिंदगी सजा कोई और भुगतता रहता है लेकिन अल्लाह सुबहान के यहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ बिल्कुल हक के साथ इंसाफ के साथ फैसला होगा किसी भी आदमी को दूसरे के जुर्म की वजह से नहीं पकड़ा जाएगा अल्लाह ताला किसी भी शख्स पर दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं डालेगा सूरत गाफिर में अल्लाह फरमाते हैं اليوم, आज हर शख्स को उसका बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया आज कोई जुल्म नहीं बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है सरी उल हिसाब तो इसमें आप देखिए हर शख्स को उसका बदला और फिर कोई जुल्म नहीं और हिसाब जल्दी हो जाएगी तीन बातें इस आयत में फरमाई और ये अजीम कायदा है ईमान के उसूलों में से एक उसूल है जिन उसूलों पर तमाम अम्बिया की रिसालत मुतफ रही है सूरत नजम में आता है फी फी मुसा, या उसे इस बात की खबर नहीं दी गई जो मूसा के सहीफों में है और इब्राहिम के सहीफों में

इब्राहिम के सहीफों में जिसने अहद पूरा किया ये लिखा है कि कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी हर जान अपनी कमाई खुद अपने ऊपर लाद के जाएगी और ये कि इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी उसने कोशिश की यानी हर इंसान को क्या मिलेगा जो वो भाग दौड़ मेहनत करके आया अब ये हमारे ऊपर है कि हम नेकियों के लिए कितनी जान लड़ाते हैं कितनी मेहनत करते हैं कितनी भाग करते हैं और ये कि यकीनन उसकी कोशिश जल्द ही उसे दिखाई जाएगी यानी के दिन पेश कर दी जाएगी उसके सामने ये किया है सारी जिंदगी तुमने इतनी नमाजें पढ़ी इतना जिक्र किया इतना सदका खैरात किया इतना हाथ जोर उमरा किया इतने लोगों की खिदमत की इतनी दूसरों की दिलजोई की इतना तुम गरीबों के काम है। जो जो किया अगर इखलास के साथ किया सब कुछ दर्ज होगा कुछ एक चीज भी उसमें से नहीं छुटेगी हम भूल चुके होंगे लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलेगा हर चीज लिखी जा रही सगीर हर चीज लिखी हुई है। चौथा कायदा हर इंसान को उसके हर अमल के बारे में आगाह किया जाएगा जो भी किसी ने अमल किया होगा वो सब उसको दिखाया जाएगा अल्लाह सुबहानु ता अपनी मखलूक पर हुजत कायम करने के लिए और अपने बंदों में अदल कायम करने के लिए उन्हें उनके तमाम अमाल से आगाह करेगा ये तुम ये ना कहो कि मैंने शायद तुम पर जाति की और तुमने तो बड़े अच्छे काम किए थे और मैंने उनको निकाल दिया कहीं छोड़ दिया और उसका बदला नहीं देना नहीं ये क्यों किया जाएगा ताकि हर शख्स को मुकम्मल इतमान और तसली हो जाए किस बात की तसली की जिस अंजाम को वो पहुंच रहा है वो दरअसल वही है जो उसकी अपने हाथों की कमाई है अब उसके पास कोई उजर और बहाना भी नहीं रहेगा जो शख्स शख्सम में दाखिल होगा वो ये नहीं कहेगा कि वो जहनम की बजाय जन्नत का ज्यादा हकदार था, क्योंकि वो अपने अमाल में देख लेगा कि मैंने तो जन्नत वालों के काम ही नहीं किए काम ही वालों के किए तो अब मुझे क्या हासिल होगा अल्लाह तलातिर में फरमाते हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया उन्हें पुकार कर कहा जाएगा यकीनन अल्लाह का नाराज होना बहुत ज्यादा था तुम्हारे अपने आप पर नाराज होने से क्यूँकी क्यामत के दिन फिर लोग अपने आप पर गुस्सा करेंगे अपने हाथ काटेंगे शर्मिंदा होंगे रिग्रेट्स करेंगे हसरतें करेंगे कि काश हम कोई अच्छा काम कर लेते फरमाया आज तुम अपने ऊपर जितना गुस्सा खा रहे हो दुनिया में अल्लाह तला को तुम पर इससे ज्यादा गुस्सा आता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे अब ये जो वहाँ उनका गुस्सा करना है ये किस बात की अलामत है कि वो अपने अमाले को देख कर इनकार नहीं कर सकेंगे बल्कि अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेंगे जैसे एक और जगह पर भी आता है फा तरफ बेगम बेहिम फल साबिस वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेंगे वो एतराफ़ कब करेंगे जब देखेंगे अपने सामने लिखा हुआ रिकॉर्डेड हर चीज तो वो ना नहीं कर सकेंगे कि नहीं हमने ये नहीं किया था अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और हमें नेक का अमाल ही की तोफीक दे रो अल्लाम फिक्रा लिमा तो हिब्बो बतरदा अल्लाह हमारे अमाल नामे में वो चीजें ना हो जिनको देख कर कल हम शर्मिंदा हों तो आप सोचिए कि अल्लाह सुबहान ताला उनसे उस दिन कितना नाराज होगा और खुद उनका अपना खौफ और गम और परेशानी कितनी ज्यादा होगी तो हर इंसान को ये कुदरत दे दी जाएगी ताकत दे दी जाएगी कि वो अपनी पूरी जिंदगी का हर अमल देख ले दुनिया में तो ये होता है ना कि कोई किताब हम पढ़ते हैं कहीं से पढ़ते हैं कहीं छोड़ देते हैं कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते कोई प्रोग्राम देखते हैं कुछ देखते हैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कुछ छोड़ देते हैं बाजुकत किसी लेक्चर में बैठे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है आधी बात सुनते हैं आधी नहीं सुनते यानी दुनिया में हम कभी भी हंड्रेड परसेंट इल को नहीं दे पाते ये किसी भी चीज को लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा वहाँ इंसान को ये कुदरत दी जाएगी और उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी का अमाल देख ले और चाहे वो बहुत लंबी जिंदगी जिया होगा फिर भी वो अपने रजिस्टर पर नामा आमाल पर पूरी तरह मुत्तले हो जाएगा दुनिया में तो बाज इंसान को उसका इम्तहानी पेपर दिया जाता है क्लास में मसलन एग्जाम पेपर जो होते हैं टेस्ट पेपर जो होते हैं वो वापस दिए जाते हैं और बच्चों को दिखा दिए जाते हैं देख लो कहा गलती की थी तो सब कहते हैं ये हमने गलती की थी कुछ तो मानने को तैयार नहीं होते और कुछ यह है कि कभी उसको नहीं भी दिया जाता लेकिन क्यामत के दिन जो कि इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा तो इंसानों को उनका नामा देखने को दे दिया जाएगा उनसे कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी कोई चीज वशीदा नहीं होगी और वो अपने बारे में जो फैसला होगा उस पर बिल्कुल मुतमिन हो गए क्यूँकी जन्नत वालों के भी दर्जात है हर एक अलग अलग दर्जे में होगा अपने अपने अमल के मुताबिक ही होगा तो फिर कोई ये गिला शिकवा नहीं कर सकेगा कि हमें इस दर्जे में क्यों भेजा गया दुनिया में आप देखिए कि अगर कोई फर्स्ट सेकंड, थर्ड पोजीशन किसी की आ रही हो तो सेकंड वाला भी बाजू का नाराज होता है कि नहीं मेरा ख्याल है मैं फर्स्ट होने को डिजर्व करता था और फेल शख्स भी कहता है कि मुझे तो पास ही होना चाहिए था मेरे साथ ज्यादा हुई अक्सर हम ये शिकवे शिकायतें देखते रहते हैं कि लोगों के दरमियान जो तकसीम की जाती है चाहे मार्क्स की हो चाहे माल की हो माँ बाप की वफात के बाद जो विरासत तकसीम होती है उसमें आप देखें कि किस कदर लड़ाइयां झगड़े और आपस की डिससेटिस्फेक्शन होती है कि इंसाफ नहीं हुआ यानी दुनिया में इंसानों को शिकायत रहती है कि इंसाफ नहीं हुआ और दुनिया में हो भी नहीं सकता क्योंकि कि किसी के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो हर एक को उसका सौफी से धाक दिला सके कुछ ना कुछ कमी बैशी रह ही जाती है लेकिन वहां पर जरे बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं होगा हर एक को वही पूरा पूरा मिलेगा जो वो लेकर आया है जो उसके पल्ले है और उसको देख भी लेगा और उसको कबूल भी कर लेगा एतराब भी कर लेगा और उसके मुताबिक अपने अंजाम को भी पहुंच जाएगा पांचवा कायदा नेकियों को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और गुनाहों की सजा कम कर दी जाएगी बुराइयों को ज्यादा नहीं किया जाएगा नेकियों को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और ये अल्लाह ताला की रहमत और उसका खास फजल है कि इंसानों के लिए नकिया कई गुना बढ़ा दी जाएंगी और गुनाहों में से हर गुना एक ही गुना लिखा जाएगा और उस एक की बिना पर ही अल्लाह ताला पकड़ेगा कुरान मजीद में नकिया बढ़ाने के बारे में कई एक आयात हमें मिलती है सूरत तबन में आता है अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे अच्छा कर्ज तो वो उसे तुम्हारे लिए कई गुना कर देगा और तुम्हें बख्श देगा कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा अल्लाह को कर्ज देना यानी अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए इंसान जो माल खर्च करता है खालिशत अल्लाह की रजाक के लिए किसी की मदद करता है जिसका सिला और बदला वो अल्लाह से चाहता है तो वो दरअसल अल्लाह के जिम्मा कर्ज हो जाता है यानी एक वो होता है ना जो हम किसी इंसान को कुछ देते है और फिर ये तबक्को लगा बैठते है की ये भी हमारे साथ कोई एहसान का मामला करे हमारे साथ अच्छा करे और ना करे तो हम गिला भी कर देते है एहसास भी दिला देते हैं की तुम तो भूल ही गए तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश निकले लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं इंसान के कि जिसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ नेकी कर दरिया में डाल वो आखरत के दरिया में डालता चला जाता है डालता चला जाता है कि कल उसको वहां वसूल होना है ला लानीदिन को जजा अम वा शिकूरा हम तुमसे इंसानों से ना बदला चाहते है ना शुक्रिया चाहते ना कोई रिस्पेक्ट चाहते है ना कोई एक्नोलिजमेंट कुछ भी नहीं चाहते क्यों इन्ना नकाफ उमिन रबिना या उमन अबूसन खम तरीरा आखरत का खौफ अल्लाह का डर उन इस बात पर आमादा करता है लिहाजा ऐसा जो माल होगा इंसान ने जो खर्च किया होगा ऐसा जो काम इंसान ने किया होगा फिर युदा ऐफुलकुम वो उसको कई गुना बढ़ा देगा कितना डिपेंड करता है कि आपका अखलास कितना था और आपका जज्बा कितना था और उसकी क्वांटिटी क्या थी और उसकी क्वालिटी क्या थी फिर सूरत अनुसा एथोर्टी में आता है बेशक अल्लाह एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर वो एक नेकी होगी तो उसे दुगना कर देगा और अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता करेगा जुल्म नहीं करेगा यानी कि उसको इग्नोर नहीं करेगा कि उसका कोई बदला न दे जर्रे बराबर भी और अगर कोई नेकी करेगा तो अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता करेगा फिर वही बात कि जितना इखलास होगा उसके मुताबिक ही अजर होगा इसलिए नेकी का कोई काम भी नजर आए तो अपनी हिम्मत इस्तात के मुताबिक उससे पीछे नहीं रहना चाहिए कर लेना चाहिए अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि बैरूत में जो हालात हुए हैं अल्लाह सुबहानो तहफूज रखे कुछ पता नहीं होता इंसान को किस वक्त कोई आफत जमीन से आए या आसमान से आए अल्लाह हर एक को अपने हिप्स में रखे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि रात अलहुदा के, के ग्रुप में ही फौरन ही किसी ने इस्लामिक रिलीफ का लिंक शेयर कर दिया कि जो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे उनके लिए तो ऐसे मौके पर खामोशी के साथ चाहे दस डॉलर ही दे लेकिन अपना हिस्सा डाल दें हो सकता है उसकी वजह से अल्लाह सुबहानी आपको दुनिया में भी किसी ऐसे डिजास्टर से बचाए किसी तूफान से बचाए किसी मुसीबत से किसी कुदरती नागहानी आफत से बचाए और आखरत के लिए तो जमा हो ही गया और इसका एक फायदा यह होता है ऐसे लिंक्स पर शेयर कर लेने का जो रिलायबल ट्रस्ट वर्दी होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या दिया और ये देने वाला कौन है क्योंकि पर्सनली तो लोग नहीं आपको जानते होते तो कहने का मतलब यह है कि नेकी अगर कहीं भी करने का मौका मिल रहा है ना थोड़ी सी भी तो बस अपना हिस्सा डाल दे हमें नहीं पता की कौन सी नेकी किस वक्त ज्यादा इखलास के साथ होगी और वो सारी नेकियों पर भारी हो जाए क्योंकि ये जो आयत है ना बड़ी खूबसूरत है यानी नेकी को बढ़ाएगा भी उसको भी मल्टीप्लाई करेगा मजीद व युती मिल अज़रन अजीमा अपने पास से भी बहुत बड़ा अजर अता करेगा फिर सूरत अल्लाह नाम में आता है अभिल हसन अति अश्रुस वह मंजा अभि सही मिसल वो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उस जैसी दस नेकिया होंगी एक के बदले में दस मिलेंगे सुबह अल्लाह अगर दुनिया में हमारे साथ ऐसे होने लगे तो हम वो इन्वेस्टमेंट भाग भाग के करें कहीं भी अगर हमें पता चले कि ये इस बिजनेस में लगा दो टेन परसेंट तो लाजमी मिलेगा ज्यादा भी हो सकता है तुम तो कह वाकई यकीनी बात हाँ यकीनी बात है हंड्रेड परसेंट गारंटी है तो मेरा नहीं ख्याल के कोई भी पीछे रहे और जो बुराई लेकर आएगा सो उसे जजा नहीं दी जाएगी मगर उसी की मिसल जितनी बुराई होगी उतना ही बदला और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा अल्लाह सुबह ना किसी पर जुल्म नहीं करेगा अब ये नेकियों के बढ़ाए जाने की कई मिसालें सुन्नत से भी हमें मिलती हैं सहल बिन हुनैफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने असलाम कहा उसके लिए दस नेकियां लिखी, लिखी जाएंगी और जिसने असलाम रहमतुल्लाह कहा उसके लिए बीस नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने रहमतुल्लाह व बरकातहू कहा उसके लिए तीस नेकियां लिखी जाएंगी साथ साथ इजाफा होता चला जाता है जैसी जैसी एफट होती है इंसान की इसी तरह तस्बीहात हैं नबी सल्लम ने फरमाया अल्लाह ने चार कले मत चुने सुबह अल्लाह वाला अलाबर जिसने सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए बीस निकिया लिख दी जाती है और बिस बुराइयां मिटा दी जाती है कितनी देर लगती और कितनी मुश्किल है कोई मुश्किल ही नहीं और जिसने अल्लाह अकबर कहा उसके लिए भी इसी तरह है और जिसने ला अला कहा उसके लिए भी इसी तरह है फिर इसी तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का आजर है रसोल्ला ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी जायद चीज खर्च कर देका स्वाब सात सौ गुना होगा कहा यह के अगर इंसान अपनी जरूरत काट के फिर खर्च करे तो कितना बड़ा स्वब होगा और जो अपनी जत पर अपने लिए कोई कपड़ा ले लिया कोई खाने की चीज ले ली और अपने घर वालों पर खर्च करे या किसी बीमार की इयादत करे या किसी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दे तो हर नेकी का बदला उसके मिसल दस नेकियां होंगी यानी इन कामों को भी अल्लाह ताला हमारे हक में नेकी शुमार करता है क्योंकि अल्लाह ने हमारे साथ जरूरियात लगाई है ना हमें पहनने की भी जरूरत होती है हमें खाने की भी जरूरत होती है हमें पढ़ने लिखने की भी जरूरत होती है तालीम पर भी खर्च करने की जरूरत होती है यानी अपने पर्सनल जो जरूरियात है उनकी बात कर रही फिर घर वालों की भी जरूरियात होती है उन पर भी खर्च करना होता है फिर इसी तरह बाजोकत इंसान के पास पैसे नहीं होते लेकिन ये पता चलता कोई बीमार है तो उसके पास चला जाता है या उसको फोन कर लेता है या किसी से उसका हाल पूछ लेता है या उसके लिए दुआई कर देता है या फिर किसी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देता है ये देखता रहता है कि ये चीज यहां ना मुनासिब है या किसी को चोट लग जाएगी तो वो गाफिल होकर नहीं गुजरता उसको बस हटा देता है थो का छोटा सा खिसकाना होता है किसी चीज को या एक टिश्यू ही उठाना होता है या कहीं से कोई पानी ही वाइप करना होता है तो उस पर भी दस दस नेकियां मिल रही है फिर है छठा कायदा नेक लोगों के गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाएगा जो नेक लोग होंगे उनसे कुछ गलतियाँ भी हो जाएंगी जिन पर वो तोबा करेंगे तो तौबा करने के बाद उनकी जो बुराइयाँ हैं, वो नेकियां बन जाएंगी सूरत फुरकान 70 में आता है मगर जिसने तोबा कर ली और ईमान ले आया और अमल किया नेक अमल तो ये लोग हैं जिनकी बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देगा और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला नहाय रहम फरमाने वाला है जब बंदे की तोबा सच्ची हो तो अल्लाह का फजलो करम दूर नहीं अल्लाह नहीं था या अमल की कुत नहीं थी आज जो बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं, ये हमेशा से नहीं करते चले आ रहे इस आशरे में तकबीरात की तरफ थोड़ी ज्यादा तवजो की तो मैं सोच रही थी अल्लाह मेरी पिछली जिंदगी का क्या हुआ मैंने इतना एहसास क्यूँ न किया छोटा सा भी अमल होता है ना नया पता चलता ये शुरू करती हूँ अल्लाह तो इतने साल गुजर गए किया ही नहीं इतनी जिंदगी गुजर गई ना पता चला ना किया और अब भी हमें कई नेकियों का नहीं पता जो हम नहीं कर रहे या पता भी है तो फिर भी नहीं कर रहे या फिर ये कोताहीया कर रहे हैं बहुत से गलत काम छोड़े लेकिन हो सकता है अभी भी बहुत से ऐसे हो सकता है क्या बल्कि यकीनी तौर पर कई ऐसी चीजें हैं कि जो अभी भी हमें इसलाह की जरूरत है क्योंकि बंदे को हमेशा इस्लाह की और इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है तो अगर इंसान अपनी गलतियों पर जो माजी की खास तौर पर याद आए कि किसी को कोई सख्त बात कह दी किसी के साथ ज्यादती कर दी किसी की गिब्बत कर दी किसी बहुत सी चीजें होती है जिंदगी में तो इंसान उन पर शर्मिंदा हो और रोए और अल्लाह से माफी मांगे और जब कोई गुनाह ज्यादा सताने लगे तो सलात तोबा पड़े तो इनशाला अपनी रहमत से उन गुनाहों को नेकी में बदल देगा क्योंकि तौबा की ने साफ कर दिया ना तो ये है उस्ताद उस जी एक सवाल जहन में आ रहा था जैसे ये हम फ्रिक्वेंटली हदीस सुनते है ना अलहमदल्लाबहान अल्लाहमद्ला बार सुबहानल्ला कहने से बीस हसनात मिलेंगी और बीस बुरा मिटा दी जाए तो इंसान बाजुकात तो अपनी डिफरेंट लेवल की बुराइयां देखता रहता है और सोचता रहता है कि अच्छा ये कौन सी बीस बुराइयां हैं जो इस तरह से मिटाई जाएंगी यानी यू you नो know, सही गुना छोटी किसी के बारे में कोई ऐसी सोच आ गई कोई ख्याल आ गया और फिर इंसान उस पर पक्का नहीं रहता फिर छोड़ देता लेकिन ख्याल आया तो सही ना वो धुआ पास से तो गुजरा ना वही क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए इस चीज का बार बार ज्यादा एहसास होता है ना कि अच्छा जब पढ़ लिया तो फिर ऐसी चीज हमें सोचनी भी नहीं चाहिए या कुछ तो ये उस तरह उस लेवल में आ जाएगी जी इस दफा जो हमारा खुतबा था ब्रादर्शेब का तो वो मुझे याद आ रहा था उसने मुझे बहुत चीजें माइंड में आई कैसे आपने अभी भी जिक्र किया कि कुछ चीजें जो इंसान को कितने साल गुजर जाते हैं कुछ की नहीं होती या फिर वो उस तरह से सामने नहीं आती तो उस, उसके अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने जब बयान किया तो उसके अंदर ये बताया कि किस तरह से इसमाइल अल को गिराया गया और उन, उनके ऊपर छुरी रखी गई तो उन्होंने कहा कि वो सारा सीन उन्होंने खींच कर फिर बाद में ये कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो ये कहा गया था कि बेटे की कुर्बानी कर दो और हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि नमाज पढ़ लें रोजा चले हो गया रजक़ात होगी वो भी उसके भी कफारे हैं तो इसी बात को मैंने इतनी उससे लिया कि भाई एक यही तो बात है कि अल्लाह ताला हमसे यही चाहता है ना कि हम नमाज पढ़ लिया करें रोजा रख लें जकात दे दें दे, अपने जो है। जितने अहकामा है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी तो हमारे ऊपर आजमाइशें नहीं आई हैं तो वही बात मैं सोची थी कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हमें कितना कहा जाता है लोग इस बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं कि बस आप हाँ तो नेक हो गए अब हम हर वक़्त नमाज ही पढ़ते रहे अब हम खाली जिक्र ही करते रहे और अब यह देखे की अमालनामे मेरे जुम्मन पड़ा ना कि अल्लाह ताला किसी की जान के ऊपर उसकी वसत से बढ़कर बोझ नहीं डालता तो वो हमें मुश्किल लगता है हालांकि हमारा मालनामा इसी से ही भरा जाना है आपने तो बताया ना कि उस दिन हमें एनर्जी मिल जाएगी वो पूरे अमाल नामा को पढ़ने के लिए तो मैं सोची थी कि दुनिया में भी हमारे पास इतनी एनर्जी होती है एंड ऑफ द डे कि अपने दिन का तस्करिया हम कर सके और एक ना आप सारे अमाल का हम देख सके लेकिन हम करना नहीं चाहते वी जस्ट वॉन्ट टू क्लोध आर आइज के नहीं बस ठीक है जो हो गया अल्लाह गफूर रही है लेकिन उस दिन तो वील बी फोर्स टू डू इट कितनी तकलीफ दे बात होगी ना जब उसमें हम देखेंगे और हमें पढ़ना ही होगा उसको तो आज ही पढ़ लें उसको आज ही ऐतराफ़ कर लें आज ही रिगरेट के साथ तोबा कर लें उस मैं सोच रही थी कि अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं तो अब जाहिर है अपना ही मालना हुआ इंसान देखता है जैसे तो अभी तो जैसे कुछ चंद एक चीजें हैं ना जो मोटी मोटी आपको याद आ रही होती है अभी तो पता नहीं कितनी और ऐसी बेशुमार होंगी जो तो हमारे जहन में भी नहीं है जो हम भूल चुके हैं एक दिन का ही करने तो बैठे तो याद नहीं याद ही नहीं, याद ही नहीं रहता तो जी ये जो भी बात आपने, आपने फरमाई ना कि वहां पर तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं होगी तो यहाँ पे ना जैसे कोर्ट का सिस्टम होता है तो उसमें आपकी वो सिविक ड्यूटी होती है आपको ना जाना होता है उसमें तो एक दफा मुझे इतफाक हुआ तो उसदा जी वो कोई ना ड्रग डीलर था और जैसे डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे वो गिरफ्तार हुआ और फिर जैसे होता है ना पकड़े गए फिर बेल हो गई फिर आ गए फिर पकड़े फिर तो एंड में फिर अब ये मुकदमा था तो उसमें पूरा उसका ना बैकग्राउंड वो सुनाते हैं कि फला वक्त में फला डेट में उस जगह से तुम्हें पकड़ा गया उस जगह से पकड़ा गया उसके काफी लंबी लिस्ट थी उसा जी उसकी काफी लंबी लिस्ट और रंगे हाथों वो बंदा सेल करते हुए पकड़ा गया और एंड में फिर हर मुजरिम से पूछते हैं कि जी गिल्टी तो कह रहे हैं नो कह रहे हैं नो इट एस द बिगेस्ट शॉक फॉर मी कि इतनी लंबी लिस्ट और हरंगे हाथ तो पकड़ा गया और वो कह रहे हैं कि नो और यहां पे मैं देखती हूँ इस तरह की सिचुएशन वहां पे नहीं होगी अब जाहिर उसको पता था बैकग्राउंड में कोई वकील होगा लंबा चौड़ा उसको पैसा दिया होगा जो उसको बचा लेगा छुड़ा लेगा तो बोल रहे हैं कि नो तो यहाँ पे साजा जी देखें कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई वकील करेंगे क्योंकि कोई इनकार कर ही नहीं सकेगा कहीं भागने का कोई रास्ता ही नहीं होगा मुझे ख्याल आ रहा था जैसे अभी आपने कहा ना कि किसी जहनुमी का हक जन्नति पे नहीं रहेगा और जन्नति का हक जहनुमी पे नहीं रहेगा तो इधर यहाँ जैसे हम इधर रहते हैं तो नेबर्स होते हैं ना वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो ये मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये जो हमसायों का हक है ये तो मुसलमानों के लिए मुसलमान हमसाये होते तो हम उनके साथ हुसन सलूक करते एक मुझे ये इसमें यह ख्याल आ रहा था कि इसमें तो फिर ये कि कोई मुसलमान है या नहीं है कोई मुशरक है या जो आपकी जो, जो, जो बहसियत इंसान वो पूरी करनी होगी और एक कायदा ये है कि हर इंसान को उसके हर अमल के बारे में आगाह किया जाएगा तो पिछले हफ्ते किसी क्लास में हमारी बात हुई थी कि आमालुल कुलूब होते है ना कि आमालुल कुलूब भी है और आमालुल उलजवार भी हैं तो इसमें आमालुल कुलूब भी आ जाए वो सारे ही आएंगे फिर इसीलिए कहते हैं ना कि अपने आप से भी हया करो अपने आप से भी ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए कि जो इंसान किसी के सामने ना कर सके तो जिन मांग चुके हैं वो भी किए जाएंगे वो छुपा के दिखाए जाएंगे और फिर उसके बाद माफ कर दिए जाएंगे बाजूकात ऐसा होता है जैसे यहाँ है ना किसी के जुर्म की सजा दूसरे को नहीं मिलेगी और बाजूकत ऐसा होता है सिचुएशंस के जैसे आपने कहा कोई इन वोलेंटरिली आपसे हर्ट हो जाता है आपने हर्ट नहीं करना चाहा आपने अपना अमल सही किया जिस तरह से आपको कोई जजमेंट कॉल थी या कुछ था और दूसरा वाला भी अपने हिसाब से ठीक होता है लेकिन देर इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन उसमें फिर किस तरह होगा क्योंकि गलती तो दोनों एंड की नहीं है आप फिर तो अल्लाह ताला ही फैसला करेगा ना क्योंकि वो तो हर चीज से खूब वाकिफ है हम नहीं कर सकते फैसला उसका कि किसके हक में होगा किसके नहीं फिर यह कि गवाहियों के साथ हिसाब लिया जाएगा الله کی گواہی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ بَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شركاء हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह सुबहान उस पर गवाह है काना इन अल्लाह का ना अलाकुल्लिश इन अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है एक और जगह पर आता है वाला अमल इल्ला कुन्ना अलई कुम शहूदन इसतुफी और तुम कोई अमल नहीं करते मगर हम तुम पर शाहिद होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो तो अल्लाह सुबहान तला प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं क्यूँके अल्लाह ताला हर जगह देखता है और उसके फरिश्ते भी हर जगह हमारे साथ होते हैं और अकेले अल्लाह की गवाही भी काफी है कुल कफा शहीदा फिर इसी तरह अम्बिया की गवाही होगी व जी अबिन नबी नब शहदा और नबी और गवाह लाए जाएंगे और उम्मतों में से सबसे पहले रसूल गवाही देंगे और हर रसूल इस बात की गवाही देगा कि उसने अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचा दिया था में आता हैुल् उमत बिहीदिन व जना बिका अलादा फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत ऐसी गवाह लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह लाएंगे सूरत नाहल में आता है व योम नब आसुफी कुल्ल उमत इन शहीद अलई हिम बिन अनफुस हिम और जिस दिन हम हर उम्मत में उन पर उन्ही में से गवाह खड़ा करेंगे फिर उम्मत मोहम्मद की गवाही होगी विकलासून रसूल शहीदा और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो और रसूल तुम पर शहादत देने वाला बने फिर दूसरी उम्मतों पर इस उम्म की गवाही होगी यानि की आमद के दिन जब अल्लाह रसूलों से उनकी तबलीग के मुतालिक सवाल करेगा और झुटलाने वाली उम्मतों से उसके बारे में सवाल करेगा तो वो इनकार कर देंगी कि अम्बिया ने उन्हें तबलीग नहीं की तो अम्बिया कराम इस उम्मत की गवाही तलब करेंगे ठीक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमद के दिन कोई नबी आएगा उसके साथ सिर्फ दो उम्मती होंगे कोई नबी आएगा उसके साथ तीन होंगे किसी के साथ इससे ज्यादा और किसी के साथ इससे कम तो नबी को कहा जाएगा क्या तुमने अपनी कौम तक पैगाम पहुंचा दिया था इस पर वो कहेगा जी हाँ फिर उसकी उम्मत को बुलाकर पूछा जाएगा क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया वो कहेंगे नहीं तो नबी से कहा जाएगा तुम्हारे हक में कौन गवाही देगा तो वो कहेगा मोहम्मद सल्लाम और उनकी उम्मत क्योंकि उनकी उम्मत में से तो कोई गवाही देने वाला नहीं होगा सो मोहम्मद सल्लाई सलम तो की उम्मत को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा क्या इस नबी ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया वो कहेगी हाँ इस पर अल्लाह पूछेगा तुम्हे कैसे पता चला वो कहे कि हमें हमारे नबी ने इसके बारे में बताया कि तमाम रसूलों ने अपनी उम्मतों तक पैगाम पहुंचा दिया था और हमने आपकी तस्दीक की और यही अल्लाह के इस फरमान का मतलब है वह कदा कजालना कुम उम्मत वसत अनुन शहादा वकून अर रसूल वाल कुम शहीदा और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो और रसूल तुम पर शहादत देने वाला फिर फरिश्तों की गवाही होगी काफ में आता है वजा नफ्स नफ से व साद और हर शख्स आएगा यानी कि आमद के दिन कबर से उठ के आएगा उसके साथ एक ठाकने वाला चलाने वाला और एक गवाही देने वाला होगा इब्ने कसीर कसी और शहीद के बारे में कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये ऐसा फरिश्ता होगा जो उनको मशर की तरफ हाँक कर ले जाएगा और एक फरिश्ता उनके अमाल की गवाही देगा हम में से हर एक क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके साथ दो फरिश्ते होंगे एक पकड़ कर ले जाएगा और दूसरा खिलाफ गवाही देगा और नामा अमाल खोलकर दिखा दिए जाएंगे जिनसे बंदे बेखबर हैं और फरिश्ता कहेगा हाजा माल दैया अतीत यह है मेरे पास जो तैयार है और फरिश्ते भी गवाही देंगे फिर जमीन की गवाही होगी योम इस दिन तो हद दिसबारहा बेअन्बा यानी जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जमीन हमारे हर अच्छे बुरे अमल की गवाही देगी क्योंकि रब ने उसकी तरफ वही की होगी ओलम कहते हैं कि जो जमीन की किसी जगह पर भी अल्लाह ताला की नापरवानी करे वो उसी जगह पर नेकी भी करे यहाँ तक कि जमीन उसके लिए नेक अमाल की भी गवाही दे जैसे की वो बुरे अमाल की गवाही देगी यानी अगर आपने किसी जगह को गलत काम किया तो उस जगह अच्छा भी करे ताकि जमीन अगर बुरी गवाही दे रही है तो फिर अच्छी भी दे तो सफाई हो जाए ना क्यूँकि इन अल हसनात युद्ध हिब न सैत बेशिया बुराईयों को ले जाती है फिर चीजों की भी गवाही होगी चीजें भी गवाही देंगी अब्दरहमान बिन अबू सासा जो अबू सईद खुदरी की कफालत में थे अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे अबू सईद रजी अल्लाह ने फरमाया जबकि उनके वालिद अबू सईद के हजरे में थे कि जब तुम जंगल में हो तो आजान बुलंद आवाज से दिया करो क्यूँकि मैंने रसुल्लाह सलम से सुना है जो भी जिन इंसान दरख्त या पत्थर उस मज्जन की आवाज सुनेगा क्यामत को उसके हक में गवाही देगा यानी जो चीजें हमारी आवाजें सुनती है अगर अच्छी बात करें अल्लाह का जिक्र करेंगे तो वो भी गवाही देंगी मसल हम घर में बैठ के ऊंची आवाज से तिलावत कर रहे होते हैं या कोई जिक्र कर रहे होते हैं तो वो जो भी हमारे आस पास की दीवारें सुनती है वो गवाही देंगी रसोल्लाह सल्लाह ने क्या फरमाया जिन इंसान दरख्त पत्थर जो भी मोजन की आवाज सुनेगा पत्थर भी उसके हक में गवाही देगा फिर इंसान का अपना नफ्स भी गवाही देगा इंसान का अपना नफ्स सूरत लत में आता है यहाँ तक के जो ही उसके पास पहुँचेंगे उनके कान और उनकी आंखें और उनके चमड़े उनके खिलाफ उसकी शहादत देंगे जो वो किया करते थे और वो अपने चमड़ों से कहेंगे नहीं, जिल्दों से खालों से तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो वो कहेंगी हमें उस अल्लाह ने बुलवा दिया जिसने हर चीज को बुलवाया और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो और तुम उससे पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान गवाही देंगे और न तुम्हारी आंखें और न तुम्हारी खाले लेकिन तुमने गुमान किया कि बेशक अल्लाह बहुत से काम जो तुम करते हो जानता नहीं ये तुम्हारा गुमान था जो तुमने अपने रब के बारे में किया इसी ने तुम्हें हलाक किया सो तुम खसारा उठाने वालों में से हो यानी जब इंसान गलत काम करता तो भूल जाता की अल्लाह देख रहा है फिर मुंह पर मोहर लग जाएगी और आजा बोलेंगे हाथ पाँव बोलेंगे जल्द बोलेगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन जब तुम लोग पेश हो गए तो तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और सबसे पहले जो चीज़ बोलेगी वो उसकी रान और उसकी हथेली होगी अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आप मुस्कुराए आपने फरमाया क्या तुम जानते हो कि मैं किस वजह से हंसा हूँ अनस फरमाते हैं, हमने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया मैं बंदे की इस बात से हंसा हूँ कि जो वो अपने रब से करेगा वो बंदा अर्ज करेगा अरब क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी फिर बंदा कहेगा मैं अपने ऊपर अपने जात के अलावा किसी की गवाही जायज नहीं समझता आपने फरमाया फिर अल्लाह फरमाएगा आज के दिन तेरे ऊपर तेरी ही जात की गवाही होगी और कम कातबीन की गवाही काफी हो जाएगी फिर उस बंदे के मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी और उसके दीगर आजाद को कहा जाएगा कि बोले उसके आजा उसके सारे अमाल बयान करेंगे बंदा अपने ही आजाद से कहेगा दूर हो जाओ दूर हो जाओ मैं तुम्हारी तरफ से ही तो झगड़ा कर रहा था यानी इंसान का नफ्स जो है वो अपने जिसम के खिलाफ हो जाएगा तो ये सारी गवाहियां होंगी जिनकी रूह से इंसान का हिसाब किताब होगा और इंसान कहीं भाग ना सकेगा अल्लाह ताला हमें